हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है सिस्टम ऐप्स ऑटो अपडेट सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम ऐप्स ऑटो अपडेट सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट सिस्टम ऐप्स, ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जो है ना ये अगले पेज में ऑप्शन मिलेगा सिस्टम ऐप्स ऑटो अपडेट, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो जितने भी ऐप्स होते हैं ना, ये आपके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी ऐप का अपडेट अगर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट तभी होगा जब आपका मोबाइल फ़ोन जो है किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड होगा, ठीक है, या फिर किसी भी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होगा, तभी आपके ये जो ऐप्स है ये आपके ऑटो अपडेट तभी होंगे, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का डेटा ऑन है, सिम का डेटा ऑन है, तो आपके जो ऐप्स है वो ऑटो अपडेट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है ऑटो अपडेट सिस्टम ऐप्स ओवर वाईफाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में एक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ पर टाइप करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन डायरेक्टली आपको एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग में लेकर आ जाएगा। एक्सेसिबिलिटी पर सिलेक्ट करना है तो आपको अगले पेज में ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।